धम्म पद गाथा क्रमांक 360 और 361। आज दिनांक 7 जनवरी 2021। ये धम्म पद की दो गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय 5 भिक्षुओं को उद्देश्य करके, ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा उनकी देशना तथागत भगवान बुद्ध ने की थी। गाथा है, चक्खुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाने न संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। दूसरी गाथा, काये न संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सबत्थ संवरो, सबत्थ संवुतो भिक्खु, सब दुखा पमुचती। ये बड़ी महत्वपूर्ण दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते हुए ये देशना दी है। एक बार 5 भिक्षु, वो दोनों बड़े मित्र थे, और ये 5 भिक्षुओं ने एक निर्णय ले लिया कि चलो हम अपने एक-एक इंद्रिय का संयम करने का प्रयास करेंगे। तो किसी ने, 5 में से किसी ने चक्षु इंद्रिय का संयम करना शुरू कर दिया, तो किसी ने घ्राण इंद्रिय का, यानी नासिका से आने वाले जो गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है आदि के प्रति, इस नासिका की इंद्रिय का किसी ने संयम करना शुरू कर दिया, तो किसी ने जिह्वा के इंद्रिय का संयम करना शुरू कर दिया, किसी ने श्रोत इंद्रिय का संयम करना शुरू कर दिया। ऐसे 5 लोगों ने एक एक इंद्रिय का संयम करने का संकल्प करके वो रहने लगे, विहरने लगे। और जब सभी लोग एक बार कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो इकट्ठे आ गए और कहने लगे कि हर एक व्यक्ति एक एक इंद्रिय का संयम कर रहा था, तो एक एक व्यक्ति कहने लगा कि भाई मैं तो बहुत कठिन संयम कर रहा हूं, मैं बड़ा कठिन संयम कर रहा हूं। तो पांचों व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बोलने लगा, मैं बहुत कठिन संयम कर रहा हूं, जिह्वा को संयमित करना बड़ा कठिन काम है। कोई कह रहा कि मैं कर्ण इंद्रियों को संयमित कर रहा हूं, इसको संयमित करना बड़ा कठिन काम है। तो इस प्रकार ये 5 व्यक्ति कहने लगे कि मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूं, और 5ों में विवाद हो गया। वो कहने लगे कौन कठिन काम कर रहा है, तो वो विवाद को सुलझा नहीं पाए। वो कह रहा कि मैं कर रहा हूं, दूसरा कह रहा मैं कर रहा हूं, और इसी प्रकार बोले चलो अभी इसका निर्णय हमें तथागत भगवान बुद्ध ही इसका निर्णय देंगे, चलिए उनके पास। तो 5 लोग इकट्ठे आकर बुद्ध के पास गए
और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने बताया कि देखो बनते हैं, हम ये जो एक एक इंद्रियों का पालन कर रहे हैं और ये बड़ा कठिन है, तो सभी ने, हम पांच लोगों ने एक एक इंद्रियों का पालन किया, उसको संयमित करने का प्रयास किया, नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो ये तो बड़ा कठिन है। लेकिन बनते आप बताइए कि सबसे कठिन कौन सा है, हम तो एक बड़े कठिन मार्ग से चल रहे हैं। तब बुद्ध ने उन पांचों की बात सुन ली और सुनकर उनका उत्साह भंग ना हो इसलिए उन्होंने कहा कि भिक्षुओं आप कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक ही इंद्रिय की नहीं, हमें तो सभी इंद्रियों का संयम करना होता है और सभी इंद्रियों का संयम करना कठिन है। केवल एक ही इंद्रिय की बात नहीं है, सभी इंद्रियों का संयम करना चाहिए और वो कठिन है, लेकिन वो करने से ही तुम सभी दुख से मुक्त हो सकते हो और परम सुख शांति का आनंद ले सकते हो। केवल एक नहीं, पांचों इंद्रिय का संयम करना सीखो, ऐसा तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। छह इंद्रिय का संयम करना सीखो, ऐसा बुद्ध ने उपदेश दिया और फिर कहा कि तुमने आज ही नहीं, तुम पहले एक बार ऐसे ही पांच लोग मेरे साथ थे और यही इसी प्रकार का तुमने पहले भी एक एक इंद्रियों का संयम करने का प्रयास किया, बुद्धिमान की पंडित की बात तुमने नहीं मानी और तुमने अपने प्राण को गवा दिया था। ऐसी बात पूर्व जन्म की, पूर्व काल की बुद्ध ने उनको बताई। उन्होंने पूछा, भंते कौन सी बात है, कौन सा हमारा ऐसा जन्म हुआ, बताइए आप। तब उस समय तथागत बुद्ध ने उनको वो समझा के बताया कि एक समय जब तक्षशिला का राजा बनने के लिए, तक्षशिला के सिंहासन पर बैठने के लिए मेरे साथ, मैं एक बोधिसत्व था, मेरे साथ आप भी अब अपने हाथों में शस्त्र लेकर चल रहे थे मेरे साथ, और चलते समय आपने, तुम लोगों ने अपनी जान गवा दी, बुद्धिमान पंडित की बात न मानने के कारण। ऐसे आशय से तथागत बुद्ध ने तक्षशिला जातक की कहानी बताई, जो तक्षशिला जातक 96 नंबर पर है, तो वो कहानी तथागत बुद्ध ने उनको समझा के बताई। अतीत काल में ये पांचों लोग तुम मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन रास्ते में तुम बोधिसत्व की बात न मानते हुए एक राक्षसों के द्वारा उसमें तुम मारे गए, उनके जाल में तुम फंस गए और पांचों लोगों को राक्षसों ने मारकर तुम्हें खा लिया। लेकिन मैं उन सभी की बातों में न फंसते हुए मैं अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से उनके जाल में न फंसते हुए मैं तक्षशिला चला गया और तक्षशिला जाकर मैं राज सिंहासन पर बैठा, मैं तक्षशिला का राजा बन गया था। उस समय मैं बोधिसत्व था और तुम लोग ऐसे ही मेरे साथी करके तुम लोग चल रहे थे, लेकिन मैं बोधिसत्व उन देवरूपी राक्षसों को समझ गया, उनके जाल में मैं नहीं फंसा और उनके जाल में नहीं फंसकर मैं तक्षशिला सीधे चला गया और वहां जाकर मैं राज सिंहासन पर बैठकर राजा बना। लेकिन तुम लोगों ने बात न मानने के कारण अपना प्राण गवाया, अपनी जान गवाई, इसलिए भिक्षुओं
सभी इंद्रियों का संयम करना सीखो। आज मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, चक्षु पर संयम करना चाहिए, आंखों पर संयम करना चाहिए, वो बड़ा हितकर होता है, बड़ा हितकर होता है। श्रोत इंद्रिय पर संयम करना चाहिए, वो बड़ा हितकर होता है। कर्ण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, इस पर संयम करना चाहिए, संयम करना सीखो, वो बड़ा हितकर होता है। घ्राणे इंद्रिय यानी नासिका पर संयम करना चाहिए, वो बड़ा हितकर होता है। जिह्वा पर संयम करना चाहिए, वो बड़ा हितकर होता है। और मन पर संयम करना चाहिए, वो बड़ा हितकर होता है। वाणी पर संयम करना चाहिए, बहुत हितकर होता है। हमेशा जागृत भाव से बड़े संयमी रहकर अपने वाणी से बोलना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए तो वाणी के प्रति जागरूक रहकर, तो ये बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा हितकर होता है। ऐसे ही सभी इंद्रियों पर संयम करना, ये बड़ा हितकर होता है। सभी इंद्रियों पर संयम करना सीखो तो सभी दुख से मुक्त हो जाओगे और मुक्ति की ओर वो ले जाएगा। कैसा संयम करें इंद्रियों पर, कैसा संयम करूंगी इंद्रियों पर, इंद्रियों पर संयम इस तरह किया जाता है कि यदि कोई इष्ट बात, हमारी मनपसंद बात हमें दिखने लगी, इष्ट दिखने लगा, तो उसके प्रति अनुराग आसक्ति निर्माण ना करें, समता में रहने का प्रयास करें। ये बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, ये मेरा नहीं। इस प्रकार इष्ट चीज देखने के बाद राग निर्माण न करना, इसे संयम कहते हैं। और कभी कभी अनिष्ट चीज यदि दिखने लगे, जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय चीज दिखने लगे, नापसंद चीज हमें दिखने लगे या सुनने में आने लगे, तो उसके प्रति द्वेष ना करें, संयम बरते, द्वेष ना करें। इस प्रकार का जो संयम जो व्यक्ति करता है उसे कहते हैं संयम करना। इंद्रिय तो है वहां पर, आंख तो है वहां पर, लेकिन उससे हम बहुत उत्साहित नहीं होते, बहुत व्याकुल नहीं होते, बहुत उत्तेजित नहीं होते, तो जानकर कि ये जो मेरे आंखों से दिखाई देने वाली चीज, ये जो मेरे कर्ण से सुनाई देने वाली चीज, ये परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, मेरी नहीं है, इसके प्रति यदि मैं द्वेष निर्माण करूं, क्रोध निर्माण करूं, विकार निर्माण करूं, तो दुख में मैं बंधते जाऊंगा, इसलिए शांति से समता में उसको उस समय रहने का प्रयास करें। इसे कहते हैं संवर करना, यानी नियंत्रण करना। ये जो संवर करने की जो बात होती है, एकदम इंद्रियों से नहीं होती है, ये जो संवर चक्षु द्वार में एकदम संवर निर्माण नहीं होता है, वो सीधे उत्पन्न नहीं होता, अपितु ये मन की जवन अवस्था में जाकर वहाँ पर मन की प्रक्रिया चलती है, और उसके बाद वो राग या द्वेष या भय या क्रोध, ये विकार केवल इंद्रियों के संपर्क में आने से ही निर्माण नहीं होता, संपर्क में आने से, इंद्रिय का विषय जब संपर्क में आता है तो उसमें संवेदना निर्माण होती है। फसो पच्च या वेदना, स्पर्श होते ही वेदना संवेदना निर्माण होती है, और यह संवेदना वो जवन में जाकर, मन में जाकर वहाँ जो प्रक्रिया होती है, सात प्रकार के चित्त की प्रक्रिया वहाँ होने के बाद, फिर वो राग या द्वेष या मोह या क्रोध या विकार को निर्माण करती है। तो इसलिए उस टेक्निक को, उस शुष्कमता को जानकर समझकर हमने संयम करना सीखना है, तो बड़ा लाभकारी
बड़ा कल्याणकारी है। कभी अश्रद्धा, अक्षांति, आलस्य, स्मृति और अज्ञान, ये कभी कभी हमें विकारों में डाल देते हैं। इसलिए हमें आलस्य से बचे रहना है, हमें स्मृति हमेशा जागृत रखना है, स्मृति को, और हमेशा ज्ञान को, प्रज्ञा को प्रज्वलित करते रहना है, बढ़ाना है। वो बढ़ेगी प्रज्ञा, कब बढ़ेगी? वो प्रज्ञा बढ़ती है श्रद्धा से, सत्य पर श्रद्धा, वास्तविकता पर श्रद्धा, उस कानून पर, नियम पर श्रद्धा। वो बढ़ती है शांति से, शांति ये हमें मन में धारण करना चाहिए। वीर्यता, उत्साह, वीर्यता, दृढ़ निश्चय, वो हमने मन में बढ़ाना चाहिए। और स्मृति, स्मृति यानी जागरूक भाव, अनजान नहीं, गफलत में नहीं, बेहोशी में नहीं, तो हमेशा जागरूक भाव, स्मृति हमेशा बनी रहे। और ज्ञान यानी प्रज्ञा। तो ये जो पांच प्रकार के जो बल है, उन बलों से हम अपने इंद्रियों को हमेशा संयमित रख सकते हैं। और संयमित रखने से बहुत बड़ा कल्याण होता है, बहुत बड़ा कल्याण होता है। और अकुशल से हम बच सकते हैं, और अकुशल से बचकर कुशल में हम अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं, अकुशल से रोक सकते हैं, संयम से रोक सकते हैं। और यही रोकना बड़ा हितकारक, बड़ा कल्याणकारक होता है। यदि हमने नहीं रोका, संयम का हमने बर्ताव नहीं किया, हमेशा असंयमित रहे, नियंत्रण नहीं किया अपने इंद्रियों पर, तो क्या होता है जानते हैं? तो हम विकार में डूबकर दुख चक्र में बह जाते हैं, दुख चक्र में फंस जाते हैं, अपनी दुर्गति करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, औरों का नुकसान करते हैं। इसीलिए ये दुख चक्र से निकलने के लिए, सभी दुखों को काटने के लिए यह संयम, संवर बहुत जरूरी है। और ये जो आठ संवर द्वार है, और इन्हीं द्वारों से हमें संवर करना है। आठ है असंयम द्वार, जिस पे हमें जागृत रहकर उसके प्रति असंवर नहीं तो संवर करें, नियंत्रित करें जागृत भाव से, तो सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। केवल एक ही इंद्रिय की बात नहीं, सभी इंद्रिय का संयम करना सीखो तो परम मुक्ति को प्राप्त करोगे। ये बात तथागत बुद्ध ने जब उन्हें बताई तो ये सुनकर वो पांचों भिक्षु श्रोतापन्न पद को पा गए। ये गाथा है, चक्षु न संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाने न संवरो साधु, साधु जिह्वा य संवरो, काये न संवरो साधु, साधु वाचा य संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सबत्त संवरो, सबत्त संवरो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यति। सभी इंद्रियों पर संयम करने से, सारे दुखों से छूटकर अनंत मुक्ति, आनंद का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी में मंगल है। ये बात जब तथागत बुद्ध ने बताई, पांचों भिक्षु श्रोतापन्न पद को पा गए, बड़ा कल्याण हुआ। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आपका ये मंगलमय मनुष्य जीवन बड़ा कल्याणकारी, सुखदायी बने, यही मंगल मैत्री के साथ आपके परिवार के छोटे बड़े, छोटे बड़े सभी को मंगल मैत्री, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल कामना के साथ, मंगल मैत्री के साथ, सद्भव की सेवा में, आपके सेवा में डॉक्टर
भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।